जब एक माँ बीमार होती है। मटर हमारी चटपटी सवैया, मीठी सवैया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगी। कैशा स्कूल जा चुकी है और तबीयत तो बस मेरी ऐसी ही है, और तुम रात पाए नहीं कर, वो अपनी वर्किंग पे गए हुए। मैंने कहा था मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे, अकेला वेटर करेगा क्योंकि जाहिर है मेरे ऑपरेशन की डेट जो मैंने आधी दे दी थी। तो कहने लगे मैं अपना 2 दिन का यूट्यूबर अपना ये करूं, और जो लंबा टूबर था बड़ा दुनिया पे मुझे 2-3 दिन लग सकते हैं, तो कोई बात नहीं। अब जाए ये और मोहम्मद है, ये सो गया हुआ है, और इधर ये देख ये फीडर पी रहे इस वक्त है ना। और कैक्शा स्कूल गई हुई है, तो इशरत ने घर का काम काज किया सारा टोटल, और मेरी तो तबीयत ऐसी है कि बस बस कुछ नहीं होता, जितना मैं कर लेती हूँ बस इतना काफ़ी होता है। ये मेरे अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का। अब कैक्शा आ जाएगी स्कूल से, उसे रोटी दूँगी बना के, दोपहर के लिए कुछ बनाऊँगी, रोती हूँ बैठती हूँ सोचती हूँ, फिर लग जाती हूँ, फिर लग जाती हूँ, फिर लग जाती हूँ, फिर लग जाती हूँ अपने बच्चों को। कहते हैं ना माँ तो सिर्फ एक माँ है, जिसको दर्द होता है ना पता उसे ही होता है, चाहे वो माँ है चाहे वो औलाद है। यहाँ मैं अपने बहन भाइयों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरा साथ दे रहे हैं, और हर वक्त मेरा पूछते हैं कमेंट्स में, तो कई बहनें तो मेरी पूछते हैं कि किस चीज़ का ऑपरेशन है, तो मेरी प्यारी बहन हरमियों का ऑपरेशन है, और जहाँ पर अपेंडिक्स फटी थी वहीं पर दोबारा ऑपरेट है उसी जगह, वहाँ हरमियाँ बन गई, तो वहाँ भी थोड़ा सा इन्फेक्शन भी है, तो उनका मेडिसिन से 2-4 दिन में बेहतर हो जाएगा। बाकी अल्लाह खैर करे, थक गई मुश्किलों का सामना करते करते। फिर कहती हूँ कि मायूस ही इंसान है, गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। फिर उठती हूँ, फिर अपने बच्चे में लग जाती हूँ, फिर सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाती है, दर्द नहीं जाता, दर्द वैसे ही रहता है, और मेडिसिन खा लेती हूँ तो भी ख़त्म हो जाता है। देखती हूँ क्या चीज़ क्या बेचने वाला है, फिर देखती हूँ कुछ पकाने के लिए। ये देखो पता नहीं कब उठेगा अभी, चलो अच्छी बात है बाहर गलियों में तो नहीं ना जाएगा। इसकी मैंने नहीं कराई हैं अभी, है ना, नहीं करनी है ना, ये मीज पहनो अपनी ऐसे भैया। अच्छा खाने के लिए कहाँ खाना मेरे बेटे ने? अच्छा धूप देख रहे होंगे और गर्मी, गर्मी तो इंतहा की, मैं कहती थी कार्ड तोड़े हुए इस बार गर्मी में। ये पहना दूँ आपको ऐ गंदा बच्चा। हाँ वाह, हाँ जी क्या पहनना है? ये पहनना है, मैं पहनाती हूँ चनू। तो ऐसा क्या ये आटा फ्रिज से निकाला, आटा हो चुका है खराब, और लिखो तो कैसे दिलता हुआ ना खेलता हुआ, चिड़ाइयाँ से उठा दिए ना थोड़ा सा ना डाल के चलो लगा सके सुकून रहेगा। आज फिर मैंने ना ये सवैया मंगवाई हैं, मैंने कहा ये बना लेते हैं और आपका गुजारा हो जाएगा। ये देखने लेंगे आप तोरियां की बेल, माशाल्लाह ये ऊपर से ऊपर जा रही है, यहाँ तक हो गई है। जी 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 पढ़ दे, मैंने कहा इधर से ना सही पढ़ू तो काफी ज्यादा इंतहा की गर्मी है। और ये गुलाब, इन पौधों को उठा के ना वहाँ पे छांव में रखूँ शाम को सारे,
क्योंकि अब तेज धूप है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये तो इनके ऊपर हो नेट सबज कलर की, या फिर इनको यहाँ से उठाया जाए, उधर रखा जाए इस नीम के नीचे। बेल है ना, ये भी वहाँ पे ख़राब हो रही थी, फिर मैंने ला के ना ये यहाँ पे रखी है। जैसे एलोवेरा ख़राब हो रहा था ना, तो मैंने इसके बीच में ना फंसा के इसको रख दिया कि ज़मीन की उनसी नमी है ना उसको मिलती रहेगी। और इन बोतलों से हम इतना तंग आए पड़े हैं, कुछ कह नहीं पाते क्या कहें। और ये बेल भी आपको दिखाऊँ, ये वाली तो माशाल्लाह ये भी काफ़ी बड़ी हो रही है। तो बकरी को यहाँ पे मैंने दाना डाला, मैंने कहा दाना डालूँ इसे और ये खाए। पहले इसको पानी पिलाया था मैंने, और फिर ये दाना खा लेगी, इसको एक घंटे के बाद फिर पानी पिलाएंगे। अब अपने हाथ मेरा धो लूँ। क्या तीसरा तेने आज फिर ये कपड़े अपने धो के डाल दिए। ओए छोनू कहाँ गए हो, कमरे में छोड़ा था माशाल्लाह। चलो अंदर चलो, अंदर चलो मेरा बेटा, अंदर चलो चलो मेरा शहजादा। मम्मा की जान है, ये मम्मा के पादे पादे बेटे हैं दोनों, है ना, है ना। आपी कहाँ गई, आपी कूल गई है। तेता आपी कहाँ है, कूल है। चलो मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। अच्छा बैठो, आप बैठो, बैठना भी नहीं है। अब ऐसा है कि मैंने ना यहाँ पे रखी चाय बननी, ये तो दूध गर्म होने के लिए रखा, और यहाँ पे ये सेवइयाँ, तो मेरा दिल है मसाले वाली सेवइयाँ बना लो, वो खा जाएंगी दोपहर के टाइम में। आलू डाल के ना थोड़े से और ये तो ये घूमता फिरता है, ये यहाँ पे लेटरिंग में मारता हुआ है ना, वो डब्बे को घसीट के बेचारा कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। और मोहम्मद फीडर तो पी लिया ना आपने, आ जाओ मैं आपको ना वो देखती हूँ चाय और बाकी खानी। आओ पापे वगैरह हैं इसमें, मुंह भी खोल लेते हैं इसे ना। मुश्किल होता है ना कि जब एक माँ बीमार होती तो अपने बच्चे संभालना और अपना घर देखो बहुत ही ज्यादा। कल मेरा दादा मुझे हिम्मत दी बस, और कुछ नहीं। मेरे ये नन्हे मुन्ने जब ये हंसते जी जी तो मैं कितना सुकून मिल चुकी। बाकी ऊपर अल्लाह नीचे मेरे लिए मेरे बहन भाइयों की दुआएं जो मुझे वाच करते हैं, मेरे लिए मेरा दुआएं करते हैं। क्या करूं, कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं इंसान हो ना। आ गए स्कूल से। अच्छा मैं पहले सोच रही थी, मैंने कहा मैं जाके नहीं, लेकिन मेरे कमर में दर्द इतना था मैं नहीं जा सकती। काम भी कहाँ होते हो आजकल। अच्छा आप लोगों ने कहा कि आंटी आ गई है उनका साथ है, मैं अभी अकेले नहीं है। अब आप लोगों ने भी आना छोड़ दिया, हम तो दुजारना याद करते हैं कि पता नहीं क्या बात है। आए नहीं आ जाए करो। अच्छा तो मैंने ना बैठ जाओ,
सेवैया बना ली, मैं खा के जाना। ये मटर है, ये तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने सब्जी में ना स्टोर कर दिए थे। हाँ, रखे मैं अभी भी, हम भी कर लेते हैं स्टोर को, क्योंकि अब गर्मी में मटर बहुत महंगा मिलेगा। ताज़ा मटर, ताज़ा मटर होगा ही नहीं, वो नहीं मिलता है। वो भी स्टोर किया हुआ मिलेगा, लेकिन बहुत दुगने रेट पे। दुगने के चौगने रेट पे अगर मिलेगा भी तो 800 रुपए किलो, 900 रुपए किलो, ये रेट होते नहीं, 400 रुपए, 300 रुपए चनियोट पे। वो दाना निकला हुआ नहीं, दाने के बगैर साबुत जहाँ किसी का चतुक्का लग जाए ना वो लगा। फिर ये कि मैं तो जाती हूँ बस मंडी, वो भी गई तो कभी गई, अब जैसे जुम्मे वाले दिन चक्कर लगेगा हमारा मंडी का। कल बल्कि मैं कह रही थी कि जब हॉस्पिटल गए थे ना, तो मैं कहने लगी थी कि अभी मैं कहूँगी दो किलो टमाटर लेते हैं ना, बाकी तो हर चीज़ है, क्योंकि टमाटर का इस्तेमाल अपनी गर्मी ज़्यादा। तो ये आटा हो गया था रात तक ख़राब, और मैं लगी हूँ जी अब बनाने। खराब तो नहीं हुआ, खराब हो गया मैंने देखा नहीं तो। हाँ जी खराब, हाँ हल्का सा। तो फिर मैंने कहा भी सुबह से लगी थी आप भी काम में, लेकिन सीम जो काम छोड़ के चली गई, अभी भी इशरत ही उठती है सुबह, फिर सुबह से लेकर दोपहर तक ये काम में, अपने बच्चों में, नाश्ते में, सारा जितना करता ना। मैं क्यों कहूँ कि बेशक वो उस टाइम की वीडियो नहीं बनती है, तो सारा काम में यही करती होती। मैंने आगे वीडियो में बताया तो देख लें, कपड़े उसने धो के भी डाले हुए, प्याज काट रहे हैं अभी तो, फिर बनाएंगे मसालेदार सेवैया। कपड़े तो मैंने सुबह ही धो दिए थे, वो बच्चों के चेंज किए, अपने रात में चेंज किए थे, सुबह ही धो दिए थे मैंने, बच्चे सारे वो भी धुल जाएंगे फिर बाद में, धो के इनके में डाल दूंगी। पता है क्या, फिर भाई इकट्ठे होते रहते हैं, हालांकि अल्लाह माफ करे, पैसे तो हम दे ही रहे थे ना, लेकिन फिर भी बस कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इसमें ना हम टमाटर भी डालेंगे। कैशा देखना घी काफी नहीं है शायद, थोड़ा सा और डालो। हम बनाते हैं चिकन में मटरों में, मैंने इसलिए मटर निकाल लिया, आलू कहते तो आलू डाल लेती थोड़ा सा। नहीं देखिए इसके हाल, ये मुझे कहते हैं मम्मा मम्मा, मैंने कहा जी कहते हैं ए ए, भी मुझे इन्होंने मारा है। ओ गंजू, गंजू कहते हैं मुझे मारा है, उठने की कोशिश कर रहा है। ये तुमने मेरे गंजू का मारा है? अब अभी तक तो नहीं मारा, आप जरूर मारा करेंगे, झूठ जो बोलता है ये। मारा होगा। अच्छा तो खाली लहसुन ही डाल दूं? मैं तो सारा मसाला भून के बनाती हूँ, हर चीज डाल, टोटल हर चीज का सारा कुछ डाल के बनाते हैं। नहीं मैं कहती खाली लहसुन डाल दूं, खाली लहसुन, दोनों चीजें डाल दूं, मर्जी है, दोनों चीजें डाल दूं। टमाटर और तो प्याज हल्के हल्के ब्राउन करके मैंने ना इसमें वो रख दिया, वो डाल दी, मैं रख दी, मैं कह रही हूँ मटर, क्योंकि मटर फ्रीज किया हुए हैं। और इंसान बनो, इंसान बनो, क्यों तुम कर रहे हो? और अदरक लहसुन ये छील के नहीं आते, मैं पीसने लगी हूँ, और ये हमारे टमाटर हैं। और इधर जो है ना ये मटर, मैंने पहले जैसे मैंने बताया कि कर लिए हुए ना, इसमें डाल के ना फ्राई किए हैं ताकि नरम हो जाए। अब उसमें अदरक लहसुन मैंने डाल दिया अगर, और ये टमाटर भी इसमें डाल दी हूँ मैं, बस टमाटर यही काफ़ी है, और इसमें डाल दूँ हल्का सा पानी, इसमें ये लाल मिर्च और अब भी डालते तो नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया, कुछ नहीं होता। ये नमक आ नहीं जाएगा, इसमें गरम मसाला नहीं जाएगा, धनिया पाउडर ये जाएगा, और काली मिर्च,
इंच होगी। बाकी ये सामान है, इसकी बुनाई लग जाएगी अच्छे से। हाँ अगर चिकन होता ना इसमें तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे छोनू? अच्छा वो जगह से ली हुई थी, वो भी तो साथ में लिए थी। ठीक है मैं बना देती हूँ, सही होगा। मैंने इसमें ऐड कर दी है, अब इनको लगाऊंगी दम पे और फिर इसका दम खोल लेंगे, फिर करेंगे इसका यकदम खाएंगे। आ जाना बहन भाई जी जिसने खानी है मेरे साथ मसाला दाल सवैया, मज़ा आ जाएगा। बेटा मैंने 3-4 बार कहा आपको कि आप खाना खा के चले जा। अच्छा लंच लेके गए थे। इधर इस मैडम को कितनी जल्दी थी निकालने की, मटर तो मिक्स कर लिए थे, वो अभी आ जाएंगे। तो देख रहे होंगे आप बहन भाई हो, माशाल्लाह मजेदार बनी, तो खाने के बाद पता चलेगा कि मजेदार बनी है या ऐसे जान छूट गई। अच्छा मैंने ना चावलों का समझ के ना दम ज्यादा देर लगा दिया और इसका दम इतनी देर लगता नहीं है। थोड़ा नहीं वो ना वो जैसे कुलचन नहीं बन जाती ऐसे हो गई थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं खाई जाएगी। तो आ जाए जी मजेदार सवैया, दिल बहार सवैया। और ये है क्या कहते इसे हमारी चटपटी सवैया, मीठी सवैया नहीं है। कामी घर गया, आप अंदर आ जाओ। कामी कहते मैंने सवैया नहीं खानी आंटी, मैंने खाना खा लिया हुआ था। चलो अंदर चलो। और इश्तत ये कैप्शन इसको मैंने लाया है ना, तो ये बाप के पीछे पीछे है, मेरे पीछे पीछे है। नहीं नहीं चलता रहे। तो इशरत ने गाना लगाया था कि दिल के आंसुओं में बह गए, थोड़ा चला मैंने कहा लगा रहने दो कुछ नहीं होता, मैं कहा सुनती हूँ मैं भी। और ना ये करेले तो पक गया भाई है ना, मैं उसमें डाल दूंगी इन इसके बीच ताकि हो जाए। और ना ये करेले थोड़े से रखे हुए थे, मैंने कहा इनको काट के ना थोड़ी देर धूप में रख दूँ, फिर इनका ये होगा कि इसको धूप में जब रखा जाएगा ना इसको ना तल के फिर रख लेंगे, जब बनाने होंगे ना फिर हम बना लेंगे। तो दोपहर के खाने के बाद फिर बनाइए चाय और बर्तन माशाल्लाह से। फिर काफ़ी ज़्यादा हो गए खाना बनाया, खाना जो खाया आप सबके सामने। तो सालन थोड़ा सा रखा होगा रात का ना कद्दू का, मैंने कहा उसे ना गर्म कर दूँ, धूप देख लें कितनी ज़्यादा है, इसे गर्म करके ना मैंने कहा इसे फ्रिज में रख देती हूँ। और इसका तो घी वैसे ही बहुत ज़्यादा आ गया, हालांकि घी तो बहुत कम डालते हैं मगर ना इसका घी कद्दू का ना ये काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तोरिया का और एक इसका। तो बाकी शिमला मिर्च है ये उठा के ना ये रखती हूँ फ्रिज में, इसमें से निकाल के ताकि टोकरी खाली कर सको। हसनैन चलो अंदर चलो मेरा बेटा चलो, नहीं यहाँ पे आके ना ये खींचता होता है चूल्हा और फिर चूल्हे का लगता है मुझे डर, बच्चा है आपको पता है। ये देख लो जाते अंदर, जाते अपनी मम्मा पास, बताओ मम्मा को फिर मैं चलो अंदर चलो। ये मैं धूप में रखी है इसे, तो 5 मिनट 5 से 10 मिनट रखूंगी इसे धूप में। और बच्चों के काम देखे इन्होंने ना दरवाजा भी खुला छोड़ा हुआ है। हमारे स्कूल के तो दोनों यूनिफॉर्म धुले हुए हैं। धुले हुए कपड़े धो लू, धोने के बाद ना ये सारे यहाँ से बुरश मार के धो। सही है, फिर आप ऐसे करो ना भैया का ध्यान रखो बेटा, मैं फिर आती हूँ मोटर चलाते जाना जी।